गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए सेल एवं बैटरी का आज 10वां क्लास है। उसमें से एक चीज पीछे छूट गया था, वो क्या था? वो था फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस नियम। फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस नियम क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस तो आप समझते हैं कि जब जो है बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहता है और दो इलेक्ट्रोड होता है, तो दो इलेक्ट्रोड जो भरा हुआ रहता है, ठीक है, इससे जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जब इससे हम लोग बल्ब जलाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो इस क्रम में क्या होता है, इसका कुछ भाग झड़ झड़ करके नीचे गिरता है, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, नीचे गिरता है, कुछ जो है इस पर जाकर के जमा होता है, यानी एक रड क्या होगा, एक रड धीरे 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 पतला होता जाएगा और एक रड क्या होगा, मोटा होता जाएगा, ठीक है। तो ये जो एम जमा हुआ, कोई भी चीज एम द्रव्यमान का जो जमा हुआ और यहाँ एम से निकला, वही था एम, मुक्त हुए द्रव्यमान, इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए द्रव्यमान एम बराबर जेड आई, जेड आई टी था, जेड आई टी। ये जेड क्या है? ये जेड स्थिरांक है, नियतांक है। जेड क्या है? जेड जो है नियतांक है, ये जेड नियतांक यानी कि कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है। आई क्या है? धारा हो गया, और टी क्या हो गया? टाइम हो गया, यानी कि कोई भी बैटरी से जितनी धारा और जितनी टाइम तक हम लोग उसे प्रवाहित करेंगे, उतना ही इससे द्रव्यमान क्या होगा, मुक्त होगा, उतना ही द्रव्यमान उससे मुक्त होगा। वही द्रव्यमान, वही जो इलेक्ट्रोड पतला हो जाता है, इलेक्ट्रोड मोटा हो जाता है, ठीक है, बोलता है ना सेल बैठ गया, बैटरी का सेल बैठ गया, सेल बैठ नहीं गया, वो धीरे धीरे सेल जो है इसका इलेक्ट्रोड खत्म हो जाता है। तो वो कितना खत्म हुआ वो तुम पर डिपेंड करेगा कि कितना धारा उससे प्रवाहित हो रहा है और कितने समय तक प्रवाहित हो रहा है। इसीलिए बैटरी जो है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक रहता है, 5 साल के बाद क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। तो क्या होता है, यही एम द्रव्यमान जो है उससे मुक्त होता है, उसी को निकालने के लिए एम बराबर जेड आई टी होता है, ठीक है। इस पर भी न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, एम बराबर जेड आई टी होता है। जैसे एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है 200 सेकेंड समय में 5 एम्पियर डीसी विद्युत धारा के द्वारा वोल्टमीटर में कैथोड पर 111.81 ग्राम चांदी एकत्रित हो जाता है, तो चांदी का विद्युत रासायनिक मूल्यांक क्या होगा? इसमें जेड निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। कोई बैटरी है, ठीक है, कोई बैटरी है, ये कह रहा है कि इस इलेक्ट्रोड से जो मुक्त द्रव्यमान हुआ, जो एम द्रव्यमान हुआ, वो कितना है, वो 111.8 ग्राम है, कितना है, 111.81 ग्राम है, 111.81 ग्राम, और कह रहा है इसे 200 सेकेंड तक, कितना, 200 सेकेंड तक चलाए, ठीक है, और 0.5 एम्पियर धारा कितना गया, 0.5 एम्पियर। तो हम जानते हैं एम बराबर होता है जेड आई टी, तो इसमें जेड निकालने बोल रहे हैं, तो जेड बराबर क्या होगा, जेड बराबर होगा एम बाय आई टी, एम कितना है 111.81 ग्राम, और आई टी कितना है, आई 0.5 एम्पीयर, सेकेंड को गुणा करेंगे 200 से, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे कितना है, 101 खत्म हो गया, ठीक है, 101 ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, 5 × 10 × 5 × 10, ठीक है, वो तो यहाँ पर गुना होगा, यहाँ जब गुना होगा 0.5 × 200,
तो ये गुना 5 × 10 यानी कि कितना हो जाएगा 1.1181/100 जगह ना 100 से जब भाग देंगे दो अंक के बाद फिर आ जाएगा 1.1181 ठीक है 81 क्या हो जाएगा ग्राम प्रति कूलम हो जाएगा ग्राम पर कूलम हो जाएगा ये हो गया आंसर। इसी तीनों में से कोई एक चीज चारों में से कोई तीन चीज दिया रहेगा एक चीज निकालना है। अगर एम दे दिया चैन दे दिया और टी दे दिया तो बोलेगा कितना करंट प्रवाहित होगा तो आई निकाल लेना है। अगर एम दे दिया जेड दे दिया आई दे दिया बोलेगा कितना समय तक चलेगा तो उससे टी निकाल लेना। तो इतना याद रखना है सिर्फ एम बराबर जेड आई टी क्या रखना है एम बराबर जेड आई टी ठीक है। और जस्ट कल पढ़ाए थे क्या कैपेसिटी 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 बराबर एम्पियर आवर एम्पियर गुने घंटा ये चीज दो चीज आपको क्या करना है याद रखना है ठीक है। चलिए आप शायद समझ गए होंगे एम बराबर जेड आई टी क्या है आप इसको नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बैटरी की क्षमता हम लोग पढ़ लिए थे अब चार्जिंग की विधि हम लोग पढ़ेंगे। बैटरी चार्जिंग मेथड ये दो मेथड होता है दो प्रकार का मेथड होता है एक जब करंट स्थिर करंट के द्वारा और एक बार स्थिर वोल्टेज के द्वारा दोनों के द्वारा हम लोग चार्ज कर सकते हैं कांस्टेंट करंट मेथड और कांस्टेंट वोल्टेज मेथड क्या कांस्टेंट करंट मेथड और दूसरा कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। ठीक है क्या कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज ये दो विधि से हम लोग जो है चार्ज कर सकते हैं। ठीक है और भी विधि होता है ट्रिकल चार्जिंग विधि होता है ट्रिकल चार्जिंग मेथड जब सेल बैठ जाए बैटरी बैठ जाए तो हम लोग ट्रिकल चार्जिंग करते हैं। ठीक है रेक्टिफायर से भी चार्ज कर सकते हैं चौथा रेक्टिफायर मेथड। रेक्टिफायर मेथड कांस्टेंट करंट मेथड में क्या होता है कांस्टेंट करंट मेथड में इसमें करंट को स्थिर रखा जाता है धारा को स्थिर रखा जाता है स्थिर इसमें वोल्टेज को स्थिर रखा जाता है और इसमें कम करंट पर ज्यादा देते हैं। ठीक है कम करंट पर ज्यादा देर तक। ठीक है रेक्टिफायर मेथड तो साधारण है अभी बना के आपको बताएंगे क्या है रेक्टिफायर मेथड। ठीक है ये जो कांस्टेंट वोल्टेज मेथड में जो चार्ज करते हैं साधारणतः 12 वोल्ट बैटरी या 15 वोल्ट बैटरी इस प्रकार को चार्ज करते हैं। देखिए आपको पूछा जाएगा कि चार्जिंग का मेथड कितने प्रकार से हो सकते हैं ऐसे तो करते हैं दो प्रकार का लेकिन आप चार प्रकार का याद रखेंगे सबसे ज्यादा यूज होता है ये रेक्टिफायर मेथड और कांस्टेंट वोल्टेज मेथड।
तो सबसे पहले क्या याद रखेंगे, कांस्टेंट करंट मेथड, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड, ट्रिकल चार्जिंग मेथड और रेक्टिफायर मेथड। कांस्टेंट करंट में करंट को कांस्टेंट रखा जाता है, करंट का मान को स्थिर रखा जाता है, और कांस्टेंट वोल्टेज मेथड में जो है वोल्टेज को स्थिर रखा जाता है, ठीक है। और ट्रिकल चार्जिंग मेथड में कम करंट पर ज्यादा देर तक चार्ज करते हैं, क्या करते हैं, कम करंट पर ज्यादा देर तक चार्ज करते हैं, तो इसी को हम लोग ट्रिकल चार्जिंग मेथड करते हैं, धीरे 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 चार्ज करेंगे। रेक्टिफायर मेथड अभी आपको बना के बताएंगे कि रेक्टिफायर मेथड कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे बनाते हैं, जो आप इसको घर में भी बना सकते हैं, ठीक है। क्या क्या लेना है आपको अभी आपको हम बताते हैं। चलिए, मोबाइल चार्जर अगर बनाना हो आपको तो भी आप बना सकते हैं। याद हुआ कि नहीं, कांस्टेंट करंट मेथड, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड, ट्रिकल चार्जिंग मेथड और रेक्टिफायर मेथड। रेक्टिफायर मेथड को देखेंगे, रेक्टिफायर मेथड जो बैटरी चार्ज करना है आपको, जैसे 12 वोल्ट का बैटरी चार्ज करना है, ठीक है, तो आप 220 बाय 12 वोल्ट, 12 वोल्ट क्या 14 वोल्ट का रहता है, 14 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर लेंगे। क्या लेंगे, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर। दूसरा नंबर में क्या आपको जरूरत होगा, दूसरा नंबर जरूरत होगा, दूसरा नंबर जरूरत होगा रेक्टिफायर, किसका, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या, जो एसी को डीसी में बदल देता है, इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से बाजार में आपको इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। इसका सिंबल कैसे होता है, सिंबल इसका ऐसे होता है, सिंबल कैसे होता है, ऐसे इसका सिंबल होता है, ठीक है। कभी जब क्लास में आएंगे आप तब आपको बना के दिखाएंगे, जोड़ के दिखाएंगे कि ये रेक्टिफायर कैसे कार्य करता है, कैसे एसी को डीसी में बदलता है, ठीक है। और उसके बाद जो बैटरी को चार्ज करना है, बैटरी उसके बाद आईसी उसी भी लगता है, लेकिन साधारणतः इतने में आपका काम चल जाएगा। देखिए किस किस प्रकार से जोड़ते हैं, सबसे पहले एसी सप्लाई आएगा आपके पास, ये एसी सप्लाई आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये ट्रांसफार्मर है, ये कितना 220 वोल्ट बाय 14 वोल्ट, जितना वोल्ट 12 वोल्ट का बैटरी चार्ज करेंगे तो ज्यादा का लेना पड़ेगा, 12 वोल्ट ही नहीं देते 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है, ट्रांसफार्मर के चैप्टर में आपको बताएंगे। यहां से ये आया कितना 220 वोल्ट, ये इसको चेंज कितना में कर दिया, ये 12 वोल्ट है, या मान लीजिए आप 14 वोल्ट है तो 14 वोल्ट आप कर दीजिए, क्योंकि 12 वोल्ट का बैटरी को चार्ज करने के लिए थोड़ा ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होती है, 12 वोल्ट भी लिख सकते हैं आपके लिए, ये 12 वोल्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ हम लोग रेक्टिफायर को जोड़ेंगे। ट्रांसफार्मर का सिंबल आप यहाँ बना सकते हैं, ट्रांसफार्मर का सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है, इधर 220 वोल्ट और इधर 12 वोल्ट, ठीक है। अब हम लोग रेक्टिफायर को ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए क्या, दोनों को सीधा सीधा पहले ऐसे करके जोड़ेंगे, ठीक, और इस दोनों को जोड़ देंगे ऐसे करके, ठीक है। यहां जो आएगा वो एसी करंट आएगा, ठीक है, और यहां से ये निकलेगा प्लस और इधर से निकलेगा
माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार से जुड़ेंगे, तो जोड़िए आप यहाँ ऐसे बना सकते हैं। यहाँ एसी वाला करंट जुड़ जाएगा और यहाँ से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, डीसी करंट निकलेगा। यहाँ से क्या निकला, डीसी करंट निकला, ठीक है। आप यहाँ बैटरी को जोड़ दीजिए, बैटरी को आप यहाँ जोड़ दीजिए, ये चार्ज होगा, ठीक है। ये 12 वोल्ट का बैटरी है, ये चार्जर आपका बन गया। तो आप जब चार्जर खोलेंगे, कोई भी चार्जर, तो आपको क्या मिलेगा, यही सब मिलेगा, एक ट्रांसफार्मर मिलेगा, रेक्टिफायर मिलेगा, और यहाँ एक आईसी लगा हुआ रहता है जो वोल्टेज को फ्लक्चुएट होने से बचाता है। कैपेसिटर लगा दिया जाता है जिससे क्या होता है, जिससे पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में बदल देता है, पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में। आप चाहें तो यहाँ लगा दीजिए, यहाँ कैपेसिटर लगा दीजिए, जो पल्सेटिंग जो डीसी आएगा उसको कैसे में बदल देगा, उसको शुद्ध डीसी में बदल देगा। आईसी लगा दीजिए तो कांस्टेंट वोल्टेज देगा। तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले चैप्टर में आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या जोड़ा जाता है। साधारणतः आप इतना जानेंगे कि रेक्टिफायर मेथड में एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है और रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है जो एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है, और बैटरी चूंकि डीसी पर ही कार्य करता है इसलिए डीसी से ही इसको चार्ज करते हैं। समझे कि नहीं समझे। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।